हाय एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विटवे। क्लीनिंग सीरीज के 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको चेकआउट करें, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। आज मैं आपके साथ में अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूं और बहुत सी रिक्वेस्ट भी आ रही थी बहुत दिन से कि आप अपना ड्रेसिंग टेबल किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं तो शेयर कीजिए, तो आज मैं आपके साथ में वही बता रही हूं। और जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है वो काफी छोटा है, स्पेस काफी कम है, लेकिन उस कम स्पेस के अंदर भी मेरे फैमिली में हम 4 मेंबर हैं और चारों की चीजें उसी के अंदर रहती है, तो किस तरह से मैं कम सामान के साथ में, कम स्पेस के साथ में उसके अंदर किस तरह से मैनेज करके रखती हूँ और वो भी बिल्कुल लो कॉस्ट पर। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मैंने घर पे ही बनाए हैं और कुछ ऑर्गेनाइजर जो मैंने बाहर से परचेज किए हैं वो काफी कम कॉस्ट के हैं, तो इजीली आप भी उसको जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को वहाँ एंड तक जरूर देखना और जरा भी वीडियो पसंद आए, थोड़ा भी आपको देख के यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल और जिसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखा है और सारे ही ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको पहले बताया है कि जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं मोस्ट ऑफ जो है वो मैंने अपने घर के अंदर से ही निकाले, यानी कि जो पुरानी चीज़ें पड़ी थी उन्हीं से ही, और कुछ जो मैंने परचेस किए हैं तो वो बहुत ही सस्ते दामों में ही मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर वाला जो रेक है उसमें, तो उसके ऊपर मैंने रखे हैं ज्वेलरी से बच्चे मेरी जो डॉटर है उसकी, और वो जो है वो बहुत ही कम यूज़ में आती है क्योंकि अभी तो 2 साल से स्कूल बंद है तो अभी कोई फंक्शन नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज स्कूल में फंक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे कि अभी डांडिया हुए थे तब काम में आया था, तो बहुत ही ओकेजनली काम में आती, तो वो मैंने ऊपर रखी है। मेरे हस्बैंड का जो ट्रिमर है वो भी मैंने रखा है, बहुत ही हैंडी वे में रखा है। और उसके अलावा ऊपर के जितने भी कंटेनर जो आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे मेरे किचन के कंटेनर ही है पुराने, क्योंकि जब मैं रेंटेड रहती थी ना तब घर में फर्नीचर नहीं था और इन्हीं बॉक्सेस के अंदर ही मैं किचन के बहुत से सामान रखती थी। तो अब जो है वो पूरा घर मेरा फुल फर्निश्ड घर है तो अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इन चीज़ों को मैंने इस तरीके से काम में लिया है। और इसके अलावा नीचे वाले जब शेल्फ के अंदर आते हैं तो इसके अंदर मैंने सारे ज्वेलरी बॉक्सेस रख दिए थे जो मैंने आपको पहले बताए थे, उसी तरीके से वो सारे मैंने जमा दिए क्योंकि इसके अंदर सारी मेरी हैवी ज्वेलरीज है तो वो भी ओकेजनली काम में आती है। और इसके बाद में इधर का जो पार्ट है इसके अंदर मैंने रखे हैं मेरी डॉटर के जितने भी हेयर पिंस है, क्लिप्स है, पिन है, और इसके अलावा मेरी भी जो साड़ी पिंस है तो वो सारी मैंने रखी है। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो बॉक्स है ये मोबाइल का बॉक्स है और मोबाइल के बॉक्स जो है ना वो आपको पता है कि काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी मतलब अच्छे भी होते हैं, काफ़ी उनकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इसके अंदर मैंने रखी हुई है मेरी वॉचेस। सभी चीज़ों को इस तरह से अलग अलग सेग्रीगेट करने से क्या होता है ना कि चीज़ें जल्दी जो है वो मैस नहीं फैलती और ख़राब भी नहीं होती है, नहीं तो कैसा होता है सभी चीज़ों को आप एक साथ रखेंगे तो एक चीज़ निकालने के लिए 10 चीज़ों को आपको हिलाना पड़ेगा और चीज़ें उससे आपकी ख़राब होगी। अब आते हैं जस्ट नीचे वाले में, तो इसके अंदर ये सारे जो है वो मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा ये जो ग्लासेज है ये मेरी पुरानी ग्लासेस है, यानी कि बच्चों की है, जो बच्चे कोरोना से पहले जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते थे ना तब उनके फ्रेंड्स वगैरह बर्थडे पार्टीज होती थी तब उनको इस तरह के गिफ्ट्स मिलते थे और बच्चों की आदत कैसी होती है ना कि कोई भी गिफ्ट मिलता है तो उसको वो ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद उसका सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी मैं जस्ट ऑर्गेनाइजर के जैसे काम में लेती हूँ। और इसके अंदर मैंने रखे अपने जो मेकअप ब्रशेज है वो रखे हैं और पीछे सेम इसी कलर की ग्लास है, उसके अंदर मैंने जो भी कुछ क्रीम है, काजल है जो मेरे डेली यूज़ में आते हैं वो मैंने रखे हैं और ये सारे मेरे हैं स्किन प्रोडक्ट। और अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ, तो ये जो बॉक्स हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसको मैंने परचेज नहीं किए हैं और ये जो है वो मेरे हस्बैंड के कुछ गिफ्ट इसके अंदर आए थे तो ये बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया और इनका यूज़ मैंने एज अ मेकअप बॉक्स के जैसे करती हूँ। तो इसके अंदर मैंने अपने बहुत से मेकअप प्रोडक्ट रखे हुए हैं और ये इसके अंदर मैंने रखे हुए अपने आई मेकअप, बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं अप्लाई नहीं करती हूँ लेकिन कुछ मेकअप जो है वो मैंने रखे हुए हैं, तो ये हाइलाइटर है, आई शेडोज है और मस्कारा है और लाइनर है, दैट्स इट, पर इतना ही है मेरे पास में आई मेकअप के लिए। तो लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा है और ड्रेसिंग टेबल के अंदर जब इसको रखते हैं ना तो अब काफ़ी अच्छा भी दिखता है।
और एक ये जो है वो मैक का मैंने ऑनलाइन परचेज किया था एक बार ब्रशेस, तो ब्रश का पूरा सेट जो है वो इसके अंदर आया था। तो इसके अंदर मैंने रख दी थी अपनी जितनी भी लिपस्टिक्स है उनको ऑर्गेनाइज करके रखा था। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी लिपस्टिक को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो ब्रश जो थे वो तो मैंने बाहर निकाल के रख दिए, वो ग्लास के अंदर मैंने आपको बताया, और सारी लिपस्टिक को इसके अंदर मैंने अरेंज कर दिया है। तो जब कभी आप ट्रैवलिंग में भी जाते हैं ना, तब काफ़ी इस छोटे से बॉक्स में काफ़ी सारी लिपस्टिक जो है वो अंदर आ जाती है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और अब आते हैं, तो ये जो बॉक्स है वो बॉम्बे शेविंग कंपनी का है और काफ़ी अच्छा है ये भी, और काफ़ी जो हैवी है ये बॉक्स भी। तो इसके अंदर भी मैंने अपने मेकअप के सारे सामान जो है वो रखे हैं। तो इसके अंदर सारी जो मेरी बेबी क्रीम्स है, ब्लशर्स है, फेस पाउडर है, प्राइमर है, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो मैंने इसके अंदर रख दी है। और दिखने में भी ये काफ़ी सुंदर दिखते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो इसका जो गेटअप है ड्रेसिंग टेबल का ना वो भी बढ़ गया। अब उसके बाद में ये जो रोड है वो पहले जब ड्रेसिंग टेबल हमने बनवाया था तब ये रोड यहाँ पे नहीं थी। एक्चुअली ये रोड नहीं है, ये इस तरीके की मैंने लगवा दी है। और ये जो है वो बच्चों के टॉय का कुछ तो निकला था पाइप, तो वो तरीके की मैंने लगवा दिए थे, कर्टन होल्डर्स होते हैं वो, और फिर ये पाइप यहाँ पर लगवा दिया। तो इससे क्या है ना कि ये जितने भी मेरे क्लचर्स जो होते हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिए, क्योंकि क्लचर जो है ना वो कई बार अक्सर सभी लेडीज़ों के साथ होता है कि क्लचर और जो सिर की पिन होती है हेयर पिंस, वो कभी नहीं मिलती, जब हमको चाहिए ना तब कभी नहीं मिलती है। तो इस तरीके से यदि आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तब आपकी चीज़ें जो है वो आपको इजी वे में मिल जाएगी। तो ये हो गया। अब आते हैं जस्ट इसके नीचे की तरफ। तो ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर जंबो बॉक्स है, इसके अंदर मैंने मेरी डॉटर के सारे हेयर पिंस रखे हैं। उसके बाद में ये मैंने एक छोटी बास्केट यहाँ पे रखी है, और ताकि कभी जब हम बाहर जाते हैं तो, या फिर हस्बैंड भी जब शॉप से आते हैं ना, तब वो वॉच वगैरह ओपन करते हैं तो वो इधर उधर ना रखे, तो वो मैंने एक बास्केट रखी है, तो वो डायरेक्ट इसी के अंदर रखते हैं। इसके अलावा मैंने भी जो वॉच डेली यूज़ में पहनती हूँ तो वो भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ। कई बार हम कभी छोटे मोटे फंक्शन में गए हैं आधे दिन के लिए, तो आके हमने ज्वेलरीज जो है वो निकाल दी, तो तुरंत निकालते में हम उन चीज़ को मैनेज करके नहीं रखते हैं, क्योंकि हम काफ़ी थके हुए होते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर रख देती हूँ, ताकि जब भी मेरे पास में टाइम मिलता है प्रॉपर, तब मैं इसमें से निकाल के उन सभी चीज़ों को जगह पे मैनेज करके रख देती हूँ रहेगी। उसके बाद में मैंने एक छोटा पर्स रखा है। कई बार क्या होता है कि रोज ही हमारे पास में कॉइन्स होते हैं जो इधर उधर कोई ना कोई ड्रॉवर के अंदर, किसी न किसी कैबिनेट के अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो मैं ये पर्स जो है वो रखा हुआ है यहाँ पे। तब यदि मेरे हस्बैंड के पास में भी यदि कोई कॉइन है इकट्ठे ज़्यादा हो गए, तो वो इसी के अंदर डाल देते हैं, और जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं डायरेक्ट इसी के अंदर से कॉइन्स ले लेती हूँ। उसके बाद में इधर की तरफ आते हैं, तो इधर भी मेरे कुछ फेस पे अप्लाई करने के टोनर्स वगैरह रखे हैं। पीछे मेरे हस्बैंड की एक वॉच रखी हुई है, और ये इस तरह के छोटे छोटे से कंटेनर जो है मैं रखती हूँ, बहुत ही कम रेंज में बाहर मिल जाते हैं मार्केट में, मतलब शायद ये जो डिब्बी है ना वो तो सिर्फ 10 रुपये में ही शायद मुझे कुछ मिली थी। तो इस तरह की मैं काफ़ी डिब्बी लेकर आ गई थी, और इसके अंदर रखी हुई है मैंने सेफ्टी पिंस, क्योंकि कई बार इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तब हमको जब ज़रूरत होती है तब हमको वो चीज़ें नहीं मिलती है। तो इस तरह की सारी छोटी छोटी डिब्बियों के अंदर मैंने सभी चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखा है। एक और डिब्बी मैं आपको बताती हूँ, तो इसके अंदर मैंने जो कान के अंदर जो पेच लगते हैं ना, वो पेच मैंने इसके अंदर रखे हैं, क्योंकि कई बार जब हमको बाहर जाना होता है तो हमको इयररिंग्स तो मिल जाते हैं लेकिन उसके पेच नहीं मिलते हैं। तो इसके अंदर मैंने पेच जो है वो बहुत सारे पेच इकट्ठे करके रखे हैं, तब ज़रूरत लगेगी तो इसके अंदर से ले लेंगे। और इसके अलावा ये जो बॉक्स है, इन बॉक्स के अंदर मैंने रखा हुआ है, नीचे की तरफ रखी हुई है मेरी सारी फिंगर रिंग्स, और ऊपर रखे हैं छोटे छोटे जो इयररिंग्स होते हैं, जो कभी बाहर कभी निकलते हैं तब यदि चेंज करने का मन हुआ तो बहुत ही ईजी वे में मुझे मिल जाएंगे। तो ये वाला हो गया कैबिनेट। अब आते हैं इसके नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ मैंने जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कि ये फेशियल का किट मैंने भी ऑनलाइन मंगाया था, और एक्स्ट्रा जो फेस वॉश पड़ा हुआ है, रोज़ वाटर है, हनी है, कॉटन से, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी। इसके अलावा जितने भी जो कॉम्ब है वो कॉम्ब मैंने इसके अंदर रखे हैं, ताकि वो इधर उधर बिखरे हुए ना रहे। और इसके अलावा ये फिर से एक आइसक्रीम का डब्बा है, और जो भी ऑयल वगैरह है वो सारे मैंने इसके अंदर रखे हैं। और ऑयल्स के अंदर देखो, एक हमेशा मैं एक ही तरीके का ऑयल जो है वो यूज़ में नहीं लेती हूँ, मैं चेंज करती रहती हूँ। तो पहले जो है मैं इंदुलेखा का यूज़ करती थी, और उसके बाद में थोड़ा सा सिर के अंदर मेरे को थोड़ा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं ये नीम का ऑयल और कैस्टर ऑयल लेकर आई थी, तो उसका मैंने यूज़ किया। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने जो नीम अपना ये करी लीव्स का जो ऑयल होता है DIY ऑयल, वो मैंने बनाया था, तो वो इसके अंदर रखा हुआ है। तब मैं इस तरह से कैसे चेंज कर करके ऑयल लगाती हूँ, ताकि मेरे जो स्कैल्प है उसको किसी एक चीज़ की हैबिट ना पड़ जाए। तो ये हो गया मेरे पूरे ड्रेसिंग टेबल का टूर। तो सारी ज्वेलरी से लेके मेरे जितने भी
मेकअप है, मेकअप टूल्स हैं और इसके अलावा जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं वो सारे ही इतने छोटे से ड्रेसिंग टेबल के अंदर मेरे आ गए हैं। इसके अलावा ये जो बाहर का जो पोर्शन है, ये ड्रेसिंग टेबल जो है वो बंद करने के बाद में ये बाहर का पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर यहाँ पे ये मैंने एक रेक रखी हुई है। और ये रेक मैंने क्यों रखी है, देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ इसमें है क्या। तो सबसे नीचे वाले पोर्शन के अंदर मैंने रिंग्स रखी हुई है, जो मेरी डॉटर अगर बाल वगैरह बनाती है तो उसको लगती है और मुझे भी डेली यूज में रिंग्स चाहिए तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। इसके ऊपर वाले के अंदर मैंने टिकटॉक पिंस रखी हुई है, वो सेफ्टी पिंस रखी हुई है। और इसके अंदर मैंने ईयरबड्स रखे हुए हैं और जस्ट ऊपर वाले के अंदर मैंने लिप बाम है और जो बिंदी लगाते हैं वो है। कोई एक रूटीन में जो मैं लिपस्टिक कभी यूज़ करती हूँ वीडियोस के लिए तो वो रखी हुई है, सिंदूर रखा है। तो ये जो ये छोटा सा जो अलमारी टाइप का है ऑर्गेनाइजर, वो मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि बार बार इसके साथ छेड़खानी ना हो ड्रेसिंग टेबल के साथ में, क्योंकि अब मेरी डॉटर जो है वो भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो कैसा ना बार बार यदि इसको ड्रेसिंग टेबल को खोलेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो उसमें मैस करेगी ही करेगी या फिर मेरे भी हाथ से हो जाएगा। तो मैं इस तरह जो डेली यूज़ के जो सामान होते हैं वो इस ऑर्गेनाइजर के अंदर रख देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ डेकोर पीस रखे हुए हैं ताकि बहुत ही जब तैयार होने के लिए आते हैं ना तब काफ़ी फ्रेश फील होता है। और इसके अलावा डेली यूज़ के लिए जो क्रीम है, पाउडर है, लोशन है, ऑयल है, तो वो सब मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि बार बार मैंने आपको बताया जैसे कि बार बार ड्रेसिंग टेबल जो है उसको ओपन ना करना पड़े, तो इसके लिए मैंने बाहर की तरफ इन सब चीज़ों को रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी की सारी ज्वेलरीज बता दी लेकिन बैंगल्स तो बताई नहीं, तो बैंगल्स जो है वो मैंने इस ड्रेसिंग टेबल के अंदर नहीं रखी है। बैंगल्स मैंने आपको कल जो मैंने अपना वीडियो बनाया था वार्डरोब का, तो वार्डरोब के साड़ी के यहाँ पे कुछ स्पेस मैंने बचाए थे, तो मैंने कहा था ना कि मैं कुछ सामान यहाँ पे रखूंगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के जो पिगी पैक्स है वो रखे हुए हैं, मेरा जो स्ट्रेटनर है और ब्लो ड्रायर है वो रखा हुआ, एक बास्केट रखी हुई है। इसके अलावा जो हेयर एसेसरीज थी ये वाली, ये भी मैंने यहीं पर रखी हुई है। और एक और ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है जिसके अंदर भी कुछ रिंग्स वगैरह वो रखी हुई है। तो ये जो स्पेस है वो मैंने इसीलिए बचाया था ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है वो यहाँ पर आ जाए। अब आते हैं बैंगल्स, तो बैंगल्स जो है वो मैंने इस ड्रॉवर के अंदर रखी है, ये देखिए। और इसके लिए मैंने कोई भी हैवी ऑर्गेनाइजर परचेज नहीं किए हैं, ये कार्डबोर्ड है यानी कि ये एक जो बॉक्स होता है वो अमेजोन से मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाया था तो उसके साथ में आया था, तो उसको मैंने डिस्कार्ड करने के बजाय ये जो बैंगल्स है वो इसके अंदर अरेंज कर दिए। तो आप भी इस तरह का कोई भी जो आपके पास में कोई बॉक्स हो तो उसको फेंकने के पहले इस तरह के ऑर्गेनाइजर आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी गिफ्ट पेपर या आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर्स मिल रहे हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी बैंगल्स जो है उनको इसके अंदर अरेंज करके रखा है। तो मेरी जितने भी बैंगल्स है वो सारे इस ऑर्गेनाइजर के अंदर है। अब ड्रेसिंग टेबल के नीचे चार ड्रॉवर्स हैं, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो बिल्कुल बाथरूम के जस्ट पास में है, तो इसके अंदर मैंने जितनी भी क्लीनिंग की चीज़ें होती है वो सब रखी हुई है। तो इससे ऊपर वाला जो कैबिनेट है इसके अंदर मैंने जो इनर वियर्स होते हैं मेरे हस्बैंड के वो, और इसके अलावा शॉक्स हैं और जो हैंकीज वगैरह होते हैं वो सारे रखे हुए हैं। जस्ट इसके नीचे वाला जो कैबिनेट है उसके अंदर मैंने अपने बच्चों के इनर वियर्स रखे हैं, हैंकीज वगैरह रखी हुई है। और इस ऊपर वाले के अंदर मैंने मेरे इनर वियर्स रखे हुए हैं और स्ट्रिप पैड्स हैं वो रखे हुए हैं। और सबसे नीचे वाला है इसके अंदर मैंने रखे हुए टॉवल ताकि बाथरूम में जब भी जाएंगे तब इजी वे में सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को भी मिल जाए और हम मुझे और मेरे हस्बैंड को भी मिल जाए। और इन इनर वियर्स को रखने के लिए भी मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइजर का यूज़ किया है। ये भी एक जो शूज़ थे उनका बॉक्स था और उसका ऊपर का जो कवर था वो मैंने हटा के और बीच में इस तरह से पार्टीशन बना दिया है ताकि एक तरफ मेरे जो डॉटर है उसके इनर वियर्स है और एक तरफ मेरे बेटे के इनर वियर्स है। और उसी तरीके का जो मेरे हस्बैंड का जो मैंने इनर वियर्स रखे हैं तो उनको उसके लिए भी मैंने इस तरह का बॉक्स का यूज़ किया है। मैंने किसी के ऊपर भी पेपर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये आज मैंने थोड़ा जल्दी में ही बनाए थे क्योंकि पहले वाले जो थे वो मेरे ख़राब हो गए थे और अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिला। आप चाहें तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेपर जो है वो स्टेशनरी की शॉप पे मिलते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि और भी ज़्यादा डेकोरेटिव और अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो किस तरह का लगा और मेरा जो ऑर्गेनाइजर्स था ड्रेसिंग टेबल का वो आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई सजेशन है मेरे लिए तो आपका बहुत बहुत वेलकम है।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सजेशन दीजिए, और यदि वीडियो जरा भी पसंद आया, कुछ हेल्पफुल लगा हो ना, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें।